हेलो एवरीवन, आज मैं बनाने वाली हूँ व्रत के लिए बहुत ही बढ़िया सी स्नैक्स रेसिपी। इसे हम तवे पर सेक कर बनाएंगे, इसे डीप फ्राई नहीं करेंगे। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। मैंने यहाँ 3 बड़े साइज़ के उबले आलू लिए हैं, इनका छिलका उतार लिया है। अब इन्हें घिस लेंगे। 2 हरी मिर्च बारीक काट कर डाल देंगे। थोड़ी धनिया की पत्ती डाल देंगे। 3 टेबलस्पून भुनी हुई मूंगफली को दरदरा पीस कर डाल देंगे, यह बिल्कुल ऑप्शनल है। स्वाद अनुसार सेंधा नमक डाल देंगे। 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर डाल देंगे। इसके बाद इसमें 4 टेबलस्पून साबूदाने का आटा डाल देंगे। मैंने यहाँ कच्चे साबूदाने को हल्का भूनकर पीस कर ले लिया है। अब इस मिक्सचर को हाथों की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे और आटे की तरह इसे बाइंड कर लेंगे। ये देखिए, यह मिक्सचर अच्छे से आटे की तरह बाइंड हो गया है। अगर आपको बाइंड करने में दिक्कत है तो इसमें थोड़ा सा साबूदाने का आटा और मिला लें। अब एक बर्तन ले लेंगे, आप चाहें तो थाली भी ले सकते हैं। उसमें थोड़ा सा ऑयल डालकर इसे अच्छे से ग्रीस कर लेंगे और इसके ऊपर जो हमने मिक्सचर तैयार किया है उसे अच्छे से फैला लेंगे। अच्छे से फैला लेने के बाद अब इसके पीसेस कट कर लेंगे। आपको जैसा छोटा या बड़ा या जो भी शेप पसंद है आप अपने हिसाब से कट करें। सारे पीसेस अच्छे से कट करने के बाद आधे घंटे के लिए इसे फ्रिज में रख देंगे। आप चाहें तो इसे 3-4 घंटे पहले फ्रिज में बना कर रख सकते हैं। यह मिक्सचर अच्छे से सेट हो गया है। अब इसे तवे पर सेक लेंगे। आप चाहें तो इन्हें शैलो फ्राई या डीप फ्राई भी कर सकते हैं। तवे को गैस पर रख देंगे और उस पर थोड़ा सा ऑयल डालकर अच्छे से फैला देंगे। आप चाहें तो तेल की जगह घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब तवे पर सारे पीसेस को रख देंगे। गैस की फ्लेम को लो और मीडियम के बीच में रखना है। सारे पीसेस रखने के बाद इन्हें एक साइड से गोल्डन ब्राउन होने तक पकने देंगे। यह एक साइड से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। इन्हें पलट लेंगे और दूसरी साइड से भी गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लेंगे। इसे हम 1 से 2 बार और पलट कर सेकेंगे ताकि यह अंदर से भी अच्छे से पक जाए। 2 से 3 बार सेकने के बाद यह अच्छे से अंदर तक पक गए हैं और इनके ऊपर बहुत ही बढ़िया गोल्डन ब्राउन कलर भी आया है। गैस को बंद कर देंगे। इन्हें गर्मा गर्म सर्व करें हरी चटनी के साथ, या आप चाहें तो दही के साथ भी खा सकते हैं। मैं आपको एक तोड़ कर दिखाती हूँ। यह काफ़ी गर्म है, यह बाहर से बहुत ही क्रिस्पी है और अंदर से देखिए अच्छे से पक गया है और सॉफ्ट है। व्रत में खाने के लिए यह बहुत ही बढ़िया रेसिपी है। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।